क्या दुनिया खत्म होने वाली है? नहीं, परिवर्तन होने वाला है। कलयुग चल रहा है, ये बात को क्या आप मानते हैं? डेफिनेटली, पूरी दुनिया मानती है और ये सत्य है कि कलयुग चल रहा है। कलयुग और कितने साल चलने वाला है? कलयुग शास्त्र के अनुसार अभी 4,27,000 साल चलेगा। जब कलयुग का अंत आएगा तब क्या होगा? नई दुनिया की स्थापना होगी, नई दुनिया की शुरुआत होगी। पूरा वीडियो देखिए, आगे आपको सब समझ में आएगा। आप देख रहे हैं एक बात कहूं, मेरा नाम है गूंज ठक्कर और आप समझ ही गए होंगे कि आज दुनिया के अंत के बारे में और ये कलयुग सतयुग ये सारे युग के बारे में बहुत सारे प्रश्न हैं मुझे। ये प्रश्न क्यों आए? क्योंकि मैं जब श्री अनंत भाई पटेल से मिला था पहली बार, मेडिटेशन को लेकर के एक एपिसोड किया था, तब मैंने इनकी यूट्यूब चैनल देखी, बापूजी दशरथ भाई पटेल, जिस चैनल में पिछले 10 साल से ये मेडिटेशन और योग की तो बात करते हैं, दूसरे काफी सारे टॉपिक्स की भी उन्होंने बात की है। उन्होंने एक बुक भी लिखी है, लाइफ इन मल्टीवर्स, जो paramshanti.org पे जाके आप फ्री ऑफ कॉस्ट इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें दुनिया के अंत के बारे में इन्होंने काफी सारी बातें कही है, जिस वजह से दुनिया के अंत के बारे में मुझे काफी सारे सवाल हो गए, जो सवाल मैं इनको पूछने वाला हूं। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच, आपने मुझे समय दिया। थैंक यू जी, परम शांति। परम शांति। तो सबसे पहला प्रश्न जो मैं आपको पूछना चाहता हूं वो ये है कि प्रूफ क्या है कि अभी कलयुग चल रहा है? देखिए, भारत के शास्त्रों के अंदर कलयुग की निशानियां बताई है और उस निशानियों को आप, हम सब देख रहे हैं इस दुनिया में क्या हो रहा है। गाय जो है कूड़ा खा रही है, राइट? मनुष्य के अंदर धर्म चला जा रहा है, लोग नास्तिक बनते जा रहे हैं, सबके अंदर एक्सट्रीमली बुराइयां बढ़ती जा रही है, राइट? तो ये जितनी भी हमारे पास, ये आप देखिए शास्त्रों के अंदर लिखी हुई है, बहुत सारी लंबी है, मैं लिस्ट नहीं बताना चाहूंगा, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इस वक्त जो परिवर्तन हो रहा है, मतलब नेगेटिविटी बढ़ रही है, यही इसका प्रूफ है कि ये कलयुग बढ़ता जा रहा है आगे। यस, कलयुग चालू हुए तो 5,000 साल हो गए। तो विष्णु पुराण के अंदर बताया गया है कि जो हमारा कलयुग है 4,32,000 साल का है, लेकिन उसमें से 5,126 साल जा चुके हैं, राइट? तो ये सबसे बड़ी बात है कि कलयुग जा रहा है। एक बार कलयुग खत्म हो जाएगा, उसके बाद कौन सा युग आएगा? देखो, चार युग होते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। कलयुग के बाद में आता है सतयुग, राइट? तो सबको पता है कि कलयुग के बाद सतयुग ही आता है, तो नई दुनिया सतयुग की होगी। दुनिया के अंत के बारे में क्या भविष्यवाणी है? देखिए, हर धर्म ने दुनिया के अंत के बारे में बहुत सारी भविष्यवाणी की है, राइट? तो जैसे डूम्स डे की बात करी, जजमेंट डे की बात करी, कयामत के दिन की बात करी, राइट? तो ऐसे ही हमारे विष्णु पुराण के अंदर बताया गया कि जब 12 सूर्यों की शक्ति से भगवान जो धरती को पूरी सुखा देंगे, पूरी इतनी गर्मी पड़ेगी कि पूरी धरती जो एकदम सूख जाएगी, तो ये बात हमारे विष्णु पुराण की है। तो ये चीजें जो है आपको आने वाले समय में, मतलब जो लोगों ने प्रोफेसिस की है वो हमें दिख रही है, लेकिन वो कब होगा ये कोई नहीं जानता। ये आज होगा, कल होगा, परसों होगा, कि कितने साल, हजार साल बाद होगा, ये पता नहीं। अब आपने मुझे कहा स्टार्टिंग में कि दुनिया का अंत नहीं होगा, परिवर्तन होगा। जी जी बिल्कुल। उसका क्या मतलब है? देखिए, परिवर्तन का मतलब ये है कि देखो, ये जो है, ये जो चक्र है, ब्रह्मांड का चक्र एंडलेस चक्र है, राइट? तो पहले ये कितने परार्ध, दो परार्ध तो ब्रह्मा जी के बीत चुके हैं, उसके अंदर कितने चतुर्युग, कितने ये युगों का चक्र घूम चुका है, राइट? तो ये चक्र घूमते घूमते जो है अभी ये कलयुग के एंड में हम खड़े, लेकिन अब जो परिवर्तन आएगा, जैसे हमारे बापू जी ने भविष्यवाणी की है कि परिवर्तन होगा, मतलब नए युग, पूरा अनंत कोटि ब्रह्मांड बदलेगा, पूरा मल्टीवर्स बदलेगा, क्योंकि हर जगह पे जीवन है और हर जगह पे ब्रह्मा विष्णु शंकर की दुनिया है, राइट? तो ये परिवर्तन का समय है। दिव्य आत्माएं धरती पे आ चुकी है, वो अपने संकल्प शक्ति से पॉजिटिव वायुमंडल क्रिएट कर रहे हैं, 33 कोटि देवताओं को जगाने का पूरा प्रयास हो रहा है, तो और जाग भी रहे हैं, तो इसीलिए ये भविष्यवाणी है कि परिवर्तन होगा और एक नई दुनिया बनेगी जिसके अंदर दुख दर्द नहीं होगा, ये मृत्यु लोक नहीं होगा और हम सब सदा के लिए अमर रहेंगे। इसका आप मुझे प्रूफ क्या दे सकते हैं? प्रूफ हमें, आपको ये दे सकता हूँ कि अगर आप पैरेलल यूनिवर्स की, अगर उसकी बात पर अगर विश्वास करें, तो ब्रह्मा जी के अहंकार को तोड़ने के लिए देवी भगवत में लिखा हुआ है कि देवी ने ब्रह्मा जी को अपने यान में बिठाया और उनको ब्रह्मांड के बाहर के अनंत ब्रह्मांड दिखाए, अनंत अनंत ब्रह्मा विष्णु शंकर उनको दिखाए। तो ये पैरेलल यूनिवर्स के अंदर की दुनिया को अस्तित्व में दिखाता है कि वो है, राइट? फिर एक और कहानी है, जैसे द्वारका के अंदर भगवान कृष्ण को मिलने के लिए हमारे ब्रह्मा जी, ब्रह्मांड के ब्रह्मा जी आए, तो द्वारपाल ने उनको रोका और पूछा कि आप कौन से ब्रह्मा हो, तो वो सोच में पड़ गए कि ब्रह्मा तो मैं एक ही हूँ, तो ये किन की बात कर रहा है।
तो फिर उन्होंने भगवान कृष्ण ने अनंत ब्रह्मांड ब्रह्माओं को बुलाया, तो कोई 5 मुख वाले थे, कोई 10 मुख वाले, कोई 1000 मुख वाले, कोई 1,00,000 मुख वाले थे। तो इतने सारे ब्रह्मा जी जब धरती पे आए तो हमारे ब्रह्मांड के ब्रह्मा जो है वो सोच में पड़ गए कि इतनी बड़ी दुनिया है, इतना बड़ा गजब है। तो ये बता रहा है कि कुछ ऐसी दिव्य आत्माएं होती हैं, उनको परिवर्तन का पहले से ज्ञान हो जाता है कि अब समय बदल रहा है, राइट। तो वो जागृति उनके अंदर आती है और वो उसके अनुरूप कार्य करते हैं। तो इसीलिए ये परिवर्तन की बात कही कि अब क्योंकि दिव्य आत्मा इस वक्त इस ब्रह्मांड में आ चुकी है, इसीलिए ये परिवर्तन का समय आ चुका है। तो आपके अनुसार आपको क्या लगता है कि परिवर्तन होगा, उसके बाद क्या होगा, दुनिया के अंत के बाद क्या होगा? देखो ऑब्वियसली कि एक पुरानी दुनिया खत्म होती है तो नई दुनिया आती है। मान लीजिए कि इस वक्त धरती पे 700 करोड़ लोग हैं, एज अ ह्यूमन मनुष्य को हम गिने तो जब एक नई दुनिया, तो सतयुग में इतनी सारी पॉपुलेशन नहीं थी, राइट। सतयुग के समय में बहुत कम पॉपुलेशन थी, फिर त्रेता में थोड़ी और बढ़ी, फिर द्वापर में थोड़ी और बढ़ी, और कलयुग में 700 करोड़। तो जो दिव्य आत्माएं हैं वो फिर से उनको पहले तो वो मोक्ष का समय, जो शिव ने ये ब्रह्मांड को बनाया, वो शिव इस ब्रह्मांड को अपने अंदर समा देगा। जितनी भी आत्मा है उनको पहले अपने अंदर समा लेगा, फिर जो आत्मा जिस योनि में है उस योनि में उसको वापिस, जब नया ब्रह्मांड बनाया जाएगा तब उनको वापिस धरती पे लाया जाएगा जिस योनि में वो है। मान लीजिए कोई आज गधा है या कुत्ता है या कोई शेर है, तो वो जो जीव है वो फिर से उसी तरीके से आएंगे, लेकिन टाइम पे आएंगे। मान लीजिए डायनासोर की बात करें तो डायनासोर भी थे और वो फिर आएंगे, लेकिन वो समय बदल जाएगा इस धरती के ऊपर, क्योंकि धरती को बने 400 करोड़ साल से ज्यादा टाइम हो चुका है, जो कि साइंस भी बोलती है कि 400 करोड़ साल हो चुके हैं, क्योंकि हमारे शास्त्रों में लिखा है। तो कयामत के दिन की जो आपने बात कही, वो जजमेंट डे या कयामत के दिन पर आपके हिसाब से किसे सबसे ज्यादा पीड़ा होगी, कौन सबसे ज्यादा सफर करेगा? देखो जैसे नास्तिक लोग बोलते हैं कि भगवान नहीं है, भगवान नहीं है, और अचानक भगवान सामने आ जाए तो उसको लगे मेरा जीवन तो वेस्ट हो गया ना, मैं तो क्या क्या सोचा था और क्या हुआ है। हर मनुष्य ये सोचता है कि मैं क्या सोच रहा हूँ और क्या हो रहा है, राइट। जब वो गलत ठहरता है तब उसको दुख पड़ता है। तो हमें ये जन्म मिला है, मनुष्य योनि मिली है हम परमात्मा की प्राप्ति के लिए। अगर हम परमात्मा को ही याद नहीं करेंगे तो हमारा सबसे ज्यादा तो कौन रोएगा, वही रोएगा जिसने परमात्मा के अस्तित्व को नहीं माना, जो खुद दिव्य आत्मा होते हुए भी अपने आप को 84 लाख योनि का जीव मानता रहा, तो सबसे ज्यादा दुखी तो वही होने वाला है। और खुश कौन होगा कि जो परमात्मा की प्राप्ति के मार्ग पे चला है, वो सबसे ज्यादा खुश होगा। अब भारत को लेकर के क्या भविष्यवाणी है? देखो हमारे बाबूजी कहते हैं भारत तो नंबर 1 बनेगा, पूरी दुनिया में नंबर 1 बनेगा, और आप देख रहे हैं कि जितने भी बड़ी कंपनियों के सीईओ ज्यादातर सब हमारे हिंदुस्तान से, इंडिया से। ये क्या बताता है कि सबसे ज्यादा बुद्धि जो है हमारे भारत के लोगों में है, और भारत जो है एक दिन सोने की चिड़िया बनने वाला है, क्योंकि वो पहले भी था आज भी है। ये देवताओं की भूमि है, ये भगवान की भूमि है, ये पृथ्वी भगवान ने अपने दिव्य एकदम पावर से बनाई गई थी। ये तो पैसेज ऑफ टाइम है, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग में वो डाउन हो गई, लेकिन रियलिटी में जो आत्माएं धरती पे हैं वो तो दिव्य आत्मा है, और वही दिव्य आत्मा जब जागेगी तो नंबर 1 बनना ही है भारत, सिंपल सी बात है। क्योंकि जो पहले पावर थी वो आत्मा जब इमर्ज कर लेगी तो वो बन जाएगा। मैं देवता था और मैं मान लू कि मैं देवता था तो मैं अपने आप अच्छे कर्म करने लगूंगा, तो दुनिया बदल जाएगी। दुनिया के अंत को लेकर मुझे तो जितने प्रश्न थे मैंने पूछ लिए अनंत भाई पटेल को। आपको अगर कोई प्रश्न है तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। एक और बार मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, इनकी एक YouTube चैनल है बापूजी दशरथ भाई पटेल के नाम से, जिसमें रोज ये मेडिटेशन तो करते ही है, उसके अलावा काफी सारे अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर कई सारी बातें हमें बताते हैं। paramshanti.org करके इनके ट्रस्ट की एक वेबसाइट है, परम शांति ट्रस्ट की, जिसके ऊपर इन्होंने जितनी भी बुक्स लिखी है वो फ्री ऑफ कॉस्ट हम डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए खूब खूब धन्यवाद आपको, आज आपने हमें समय दिया उसके लिए हम खूब खूब आभारी है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। परम शांति, परम शांति, एक बात कहूँ पे हम फिर से मिलेंगे vtvgujarati.com पर। धन्यवाद, धन्यवाद।